हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 35 और जिसकी डेट है 24 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र जो आपका पार्ट है, निर्धनता एक चुनौती, उसे पढ़ रहे हैं हम और इसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि पहली वर्कशीट में भी निर्धनता एक चुनौती आया था। चलिए अब देखते हैं इस वर्कशीट में क्या आया है। इस वर्कशीट में आगे बताते हैं कि निर्धनता हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं बहुत से लोग निर्धन हैं। देश की लगभग 21% आबादी, 21% लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, BPL से नीचे, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन आबादी, निर्धनता रेखा कहते हैं उसको हिंदी में। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं निर्धनता से, बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन, सुरक्षा, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था ये सब। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। अगर हम भारत के हिसाब से तो 21%, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों ने मिलकर, मतलब एक क्या कर रखी है, एक प्रति व्यक्ति निर्धनता रेखा डिसाइड कर रखी है, उसमें क्या है, जिसकी रोजाना 1.9 मतलब $1.9 से कम का इनकम है, उनको वो गरीब माने जाते हैं। इनके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, समझे कि भारत जो उसके पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे भी पीछे है निर्धनता। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, पाकिस्तान में 4% है, बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका में एक परसेंट से भी कम निर्धन लोग हैं, और भारत में कितने हैं, भारत में 21%। तो भारत में सबसे ज़्यादा निर्धन है, यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ये भी है इसका वो। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, और निर्धनता ऐसा भी नहीं है कि सामाजिक समूह या आर्थिक वर्ग सब में एक जैसी है, कि सारी कास्ट के लोग या सब में एक जैसी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। सबसे ज़्यादा कौन है, या तो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, ग्रामीण भूमिहीन जो किसान होते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जो ग्रामीण भूमिहीन किसान कृषि श्रमिक होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती और वो मजदूरी करते हैं भूमि में, या नगरीय ऐनित मजदूर या नगरों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये इनमें सबसे ज़्यादा निर्धनता होती है। बच्चों, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखो, अगर एक निर्धन परिवार है तो सबको एक समान कठिनाइयाँ नहीं मिलती, सबको एक समान मुसीबत नहीं मिलती। जैसे महिलाएं होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, उनको जो परिवार के उपलब्ध संसाधन हैं उनसे भी उनको वंचित कर दिया जाता है, मतलब जो उस परिवार में थोड़ी चीज़ें हैं भी उन्हें वो भी नहीं मिलती। उन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है, वो निर्धनों मतलब वे निर्धन तो हैं ही और उनसे भी निर्धन हो गया, मतलब कुछ चीज़ें ही कम है उनके पास और उन्हें उनसे भी वंचित कर दिया जाता है। आप देख लेते हैं निर्धनता के कारण कौन कौन से होते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेज रूल करते थे, वो आर्थिक शोषण किया उन्होंने, जो उनका जो यहाँ से पैसा कमाया अपने देश में ले गए। तो सबसे बड़ा कारण ऐतिहासिक तो ये है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया, जो लोग अपना काम करते थे वो ख़त्म हो गया, और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया और उन्होंने उद्योगों का विकास भी नहीं करा। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही, और ये जो विकास कम गति से जो करता है काम, ये 1980 के दशक तक ऐसे ही चल रहा था, विकास कम गति से। आय की वृद्धि दर गिरी और लोगों की जो इनकम थी उसकी भी जो ग्रोथ रेट है वो कम था। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या के उच्च दर से वृद्धि हुई और
आप कुछ दशकों को देखें तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और उससे क्या हुआ है, जो आय की जो प्रति व्यक्ति आय की जो दर होनी चाहिए, जो ऊपर होनी चाहिए, निर्धनता कम होनी चाहिए, उससे वो ज़्यादा हो गई है। रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, रोजगार तो इतने बढ़े नहीं और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय घट गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। और यहाँ पे क्योंकि आर्थिक जो प्रगति है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो तो बढ़ावा उसको मिला नहीं और जनसंख्या नियंत्रण भी हुआ नहीं, उसमें भी असफलता मिली, लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं करा है ना। तो कई लोग तो हैं जिसके दो बच्चे होते हैं, एक होता है, लेकिन कई लोगों के 6, 5, 4, 8 बच्चे भी होते हैं, तो ये भी दिक्कत है। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी, क्योंकि जो भूमि है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, जो दूसरे संसाधन हैं, उन वे भी समान नहीं है लोगों के पास। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है ना, किसी के पास बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी जो सबकी इनकम है वो अलग अलग है। भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, और भारत में ये भी प्रॉब्लम है, अगर शादी करनी है या कुछ और कोई पूजा पाठ करनी है तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों में लगी है, ये हम सब जानते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे देश में जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है और पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। ये भी प्रॉब्लम है कि जो कृषि है वो पुराने तरीक़ों से ही करते आ रहे हैं, जिससे एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा, ज़्यादा उनको जो मिलना चाहिए ज़्यादा उपज नहीं होती और उनको ज़्यादा लाभ नहीं होती। कृषि कार्यों में पूंजी का अभाव रहता है, कि उसमें पैसे का कमी होती है हमेशा। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। अब जब वो खेती करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें चाहिए और निर्धन होने की वजह से उन्हें दिक्कत आती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं और जो निर्धन आदमी होते हैं वो बचत ही नहीं कर पाते। बचत कैसे कर पाएंगे जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पैसा हो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, तो तभी तो बचाएंगे। तो फिर उसके उनको क्या करना पड़ता है, इन कामों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। निर्धनता के चलते भुगतान नहीं कर पाते, उसके कारण वो फिर से उनके ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम तो दोनों है, और अगर हम पे बहुत सारा कर्ज चढ़ जाता है तो उससे भी हम निर्धन बन जाते हैं, या जब हम निर्धन होते हैं तो हम बहुत सारा कर्ज भी लेते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से जो ये ऋणग्रस्तता है, जो ज़्यादा कर्ज लेना है, इससे निर्धनता बढ़ती भी है और इसके कारण हम ऋण लेते भी हैं, इसका मतलब ये कारण भी है और इसका परिणाम भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं इन्होंने अपने इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं, तो अभी जो हमने पढ़े वो लिख दो आप। भारत में भूमि और अन्य संसाधनों के वितरण के कारण आय में असमानता है, तथा भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों में आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। भारत के लोग अधिकतर कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं, है ना, वहाँ पे लोगों की कम ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है तो उसमें जुड़े हुए हैं। देखो थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको एक ही जगह सारा आंसर मिल जाए। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है, कौन से समूह होते हैं जो अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख देंगे। निर्धन रेखा में भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और परिवार, ग्रामीण, भूमिहीन, कृषक परिवार और नगरीय नियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति असुरक्षित समय में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। निर्धनों में भी निर्धन कौन होते हैं, मतलब गरीबों में भी गरीब कौन होते हैं और क्यों, तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे। निर्धनों में भी निर्धन परिवारों में महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चे होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वो वंचित रह जाते हैं, जो उनके घर में चीज़ें हैं वो भी नहीं मिलती उन्हें। चलिए और देखें,
भारत में चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया गया। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखोगे आप। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, छह क्वेश्चन है इसमें। भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। तो बच्चों आपको लिखना है इसका ये आंसर, भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। कौन कौन से? भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक संस्थानों के आयोजन में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। तो ये सब कारण हैं निर्धनता के हमारे देश में, ठीक है। और जनसंख्या भी ज़्यादा है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। चलिए आप देखते हैं और क्या है इस छठा क्वेश्चन, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आप ही लिखेंगे, निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वही कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वो फिर से ऋणग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भारत में निर्धनता कारण और परिणाम दोनों हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपके छठे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 35। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना करो। और अगर आप अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू दोस्त फ्रेंड्स, अब फिर से आएंगे आपकी नई वर्कशीट लेकर।